गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन सीरीज़। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द डाटा विजुलाइजेशन इन पाइथन। पाइथन में डाटा विजुलाइजेशन क्या होती है वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, देन आई विल टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑन द प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वट इज़ डाटा विजुलाइजेशन? इट्स अ विजुअल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मीन्स आप जो है डाटा को, जो भी आपका थ्योरेटिकल डाटा है, उसको चार्ट की फॉर्म्स में या फिर ग्राफ्स की फॉर्म्स में या फिर मैप्स की फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट आप लोग करेंगे। दैट इज़ द डाटा विजुअलाइजेशन। मीन्स आप उसको विजुलाइज करोगे, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द डाटा विजुअलाइजेशन। नोट में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। डाटा विजुलाइजेशन इमेंसली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। इमेंसली का मीन्स होता है अत्यधिक, सबसे ज़्यादा जो है डाटा विजुलाइजेशन का इस्तेमाल होता है डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि कोई चीज़ अगर आपको थ्रेटिकली क्लियर नहीं हो रही है तो आप उसका प्रैक्टिकल, उसको इमेजेस की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म्स में या चार्ट्स की फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करके डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट वी यूज़ इन पाइथन फॉर डाटा विजुलाइजेशन प्रोग्राम्स। पाइथन में डाटा विजुलाइजेशन के प्रोग्राम्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी होती है, ये हमें चाहिए। पाइप्लॉट इंटरफेस पे हम लोग काम करेंगे। मींस जब भी आपको एक पाइथन का वेल डिज़ाइन प्रोग्राम, अगर आपको मींस ग्राफ्स, अगर हम बात करें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको ग्राफ्स डिज़ाइन करने हैं, तो हमें इस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, मैटप्लोटलिब, और सेकंड है पाइप्लॉट इंटरफेस, राइट। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटप्लोटलिब। मैटप्लोटलिब क्या है? इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी पाइथन लाइब्रेरी। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की पाइथन लाइब्रेरी है, एंड इट्स एक्सटेंशन ऑफ नमपाई पैकेज। जो अभी तक आप सिंपल से प्रोग्राम्स करते आए हैं पाइथन के, उसमें आपको नमपाई पैकेज हम लोग मींस इंपोर्ट करते थे। जब भी आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है तो वो चीज़ यहाँ पे मींस उसी की एक्सटेंशन है। इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ वेरी फाइन फिगर्स। मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, बहुत ही सुंदर आप इससे फिगर्स या चार्ट्स जो है वो पाइथन के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ पाइप्लॉट मैथड, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैथड्स इन साइड द मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी। पाइप्लॉट मैथड एक मैथड है, मैथड मीन्स एक फंक्शन है जो कि आपको इसी लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा, मैटप्लोटलिब के अंदर। दैट वी यूज़ फॉर क्रिएटिंग 2D ग्राफिक्स वेरी इजीली, जो कि 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है पाइप्लॉट मैथड आपका, और जिससे बहुत ही सुंदर तरीके के, बहुत ही अच्छे और मीन्स बहुत क्रिएटिव आप लोग जो है 2D ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं पाइथन में, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नोट में। ग्राफिक्स विच वी कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पाइप्लॉट। पाइप्लॉट जो आपका मेथड है, जो कि मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से आप कौन कौन से चार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, स्कैटर्ड चार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैटप्लोटलिब के बारे में और मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखा है। मैटप्लोटलिब इज़ एन अमेजिंग विजुलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर 2D प्लॉट्स। मैटप्लोटलिब जो भी आपका लाइब्रेरी है, उसमें हम पाइप्लॉट मेथड या पाइप्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हैं, जिससे आप बहुत ही अमेजिंग 2D प्लॉट्स के एरे या 2D ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। मैटप्लोटलिब इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म डाटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन नमपाई एरेज एंड डिज़ाइन टू वर्क विद द ब्रॉडर पाइप स्टैक, राइट, सिंपल। नाउ नेक्स्ट है फीचर्स क्या हैं मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी के, क्या क्या फीचर्स हैं। आप ड्रॉ कर सकते हो, कस्टमाइज का मतलब होता है आप कुछ भी चेंजेस अगर करना चाहो ना, एक बार अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, बाद में आपको लगता है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो आप फिर से तो पूरा ड्रॉ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसी में कस्टमाइजेशन करोगे, देन उसको आप सेव करके रख सकते हो। मैटप्लॉट फिगर्स, जो भी आपकी फिगर्स बनती हैं मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी की हेल्प से, जो भी चार्ट आप लोग डिज़ाइन करोगे या ग्राफ आप लोग डिज़ाइन करोगे या फिर मैप आप लोग डिज़ाइन करोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जो हम लोग कंसीडर करते हैं,
The figures which we draw in Python with the help of this method having following parts. Matplotlib library की help से जो भी features या जो भी graphics आप लोग design करोगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें mentioned रहती हैं. Figure, इट्स लाइक अ कैनवस. आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जैसे कोई कैनवस है जिसमें जिस पर आपको पेंटिंग करनी है, तो पिक्चर्स या ग्राफ्स भी उसी तरीके से होते हैं. आपके पास एक कैनवस है जिसमें आपको क्या करना है, चार्ट को ड्रॉ करना है. इट कंटेन्स वन और मोर देन वन एक्सेस. ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा एक्सेस हो सकती हैं. ऑब्वियस है कि अगर आप 2D ग्राफिक्स बना रहे हैं तो आपके पास दो ही एक्सेस होंगी, एक आपकी एक्स एक्सेस होगी और एक आपकी y एक्सेस होगी. ठीक है, 3D बना रहे हैं तो z एक्सेस होगी. राइट, नाउ नेक्स्ट क्या चीज़ होती है चार्ट में, एक्सेस होती हैं. जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये है, ये आपकी x एक्सेस होगी, y एक्सेस होगी और ये z एक्सेस होगी. ठीक है, अब एक और चीज़ है, एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, ये भी एक्सेस है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है स्पेलिंग में. AXES है तो ये वाली एक्सेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड. AXIS है मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट लिमिट्स द ग्राफिकल लिमिट्स. इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस में कहाँ तक आपका ग्राफ जा रहा है, जो भी नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, कितनी लिमिट है उसकी, वो स्पेसिफाई करती है. ये एक एक्सेस है, एक्स एक्सेस. ठीक है, आर्टिस्ट क्या है, इसी तरह से वाई एक्सेस है. आर्टिस्ट एवरीथिंग विच वी सी ऑन द फिगर, मीन्स जो भी आपकी फिगर बनेगी ऐसे ऐसे जो भी बनेगा, ये क्या है, आर्टिस्ट है. मीन्स ये फाइनल फिगर आपकी रिप्रेजेंट होके आएगी, दैट इज़ द आर्टिस्ट. अब हम बात करते हैं लेबल्स की. लेबल तो सभी को पता है कि एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो हमें लिखना होता है वहाँ पे. उसके लिए हम लेबल फंक्शन को यूज़ करते हैं या लेबल मेथड का इस्तेमाल करते हैं. दे यूज टू डिस्प्ले द काइंड ऑफ डाटा वी प्लॉट. टाइटल, जो भी आपका चार्ट, किस चीज़ का चार्ट है, टाइटल लिखने के लिए चार्ट के ऊपर या नीचे, तो हम टाइटल जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे. इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट दैट वी दैट व्हाट फैक्ट शोन इन द फिगर. ये किस चीज़ का चार्ट है, किस चीज़ का ग्राफ है, तो वो हम टाइटल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लेजेंड क्या हुआ, दे यूज टू स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ ईच लाइन. लेजेंड होता है जैसे आप ना एक ग्राफ में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से कोई ग्राफ बनता है. ठीक है, तो मान लो ये वाली जो लाइन है ये आपने रेड कलर से रिप्रेजेंट की, ये वाली जो लाइन है ग्रीन से रिप्रेजेंट की. मींस यहाँ पे कोई और फिगर है, यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स रिप्रेजेंट आप करवाना चाहते हो, तो लेजेंड क्या है, एक स्पेसिफिक आप जो है पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो या लाइंस के थ्रू भी आप लेजेंड शो कर सकते हो कि ये वाली अगर लाइन है तो ये लेजेंड जो है ये चीज़ दिखा रहा है. इसको अगर आप और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए मेनली आपके पास जो है दो सिग्नल्स बने हैं, ग्रीन सिग्नल होता है आपका और एक रेड सिग्नल होता है. सभी को पता है कि अगर ग्रीन है तो गाड़ी चला सकते हो सिग्नल पे, ठीक है, अगर रेड है तो आपको रुकना है. वहाँ पे लिखा नहीं होता, ना कोई बोलता है कि भाई गाड़ी रोक दो, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक में जो रेड सिंबल है वो एक लेजेंड की तरह काम कर रहा है फॉर रिप्रेजेंटिंग कि आपको नहीं चलना, आपको रुकना है, आपको स्टॉप होना है, ठीक है, और अगर ग्रीन है तो दैट मींस कि आपको चलना है, तो वो एक लेजेंड सेट कर दिया है कलर्स का. ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी पिक्चर में, अपने ग्राफ में जो है जिस भी चीज़ को लेजेंड बनाना चाहते हो, चाहे आप कलर्स को या कोई लाइन्स को या कोई पॉइंट्स को लेजेंड बनाना चाहते हो, तो उस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हो. राइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर थ्योरेटिकल पार्ट. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, जहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन चार्ट को ड्रॉ किया है. तो चलिए लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं. ये रहा आपका लाइन चार्ट का सिंपल प्रोग्राम. लेट मी रोटेट माई फोन. ओके, दिस इज़ फाइन. ओके, दिस इज़ द कोडिंग ऑफ द लाइन चार्ट. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइन चार्ट. ये आगे हम पाइथन के सॉफ्टवेयर पे. लाइन चार्ट क्या है, दिस चार्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन सीरीज ऑफ पॉइंट्स. लाइन चार्ट मीन्स पॉइंट सीरीज, पॉइंट की सीरीज है जो आपस में जुड़ेगी और उनको जो भी पॉइंट्स आपके होंगे, छोटे 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 पॉइंट्स होंगे, उनको हम मार्कर्स बोलेंगे. उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, लाइन बन जाती है. तो दिस पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट्स
एंड इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से ही इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम 2D ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम एक्स वाई प्लेन पे ही उसको लेंगे। तो सिंपल आपने याद रखना है कि लाइन चार्ट क्या है आपका। दिस चार्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन सीरीज ऑफ पॉइंट्स। सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको आप जो है लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे और आपका जो है लाइन चार्ट बन के आएगा इन द एक्स वाई प्लेन। बट बिफोर राइटिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को लिखने से पहले आपने क्या करना है, जब भी आप कोई ब्लैंक फाइल ओपन करोगे ना, यहाँ से वन मिनट गाइस, ब्लैंक फाइल जैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखना, जो भी प्रोग्राम है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी आपके सॉफ्टवेयर में तब तक नहीं चलेगी जब तक आप क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको तीन कलर के लाइन्स दिखाई दे रही हैं, इन लाइन्स के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा पिप, पिप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मैट प्लॉट लिब, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखोगे और इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो मैट प्लॉट लिब जो लाइब्रेरी है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, तो ही आपका ये प्रोग्राम जो है चार्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरा इतनी जल्दी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए उसने डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से इसको शो कर दिया। आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, लिखिए मैट प्लॉट लिब, देन क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी आपके प्रोग्राम में इंस्टॉल हो जाएगी। नाउ यू कैन ईजिली रन दिस लाइन चार्ट प्रोग्राम, ओके, नाउ गो बैक। अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं। फाइन, सभी को समझ आ गया, मैंने ऑलरेडी बना के रखा, आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे लाइन वाला, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रिंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले लाइन चार्ट, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि अपने समझने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मुझे लाइन चार्ट को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम की लाइन हमारी स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट फ्रॉम द इम्पोर्ट स्टेटमेंट, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। मैंने आपको बताया है थ्योरेटिकल पार्ट में मैटप्लॉटलिब क्या है, आपका लाइब्रेरी है जो अभी अभी हमने अपने प्रोग्राम में इंस्टॉल किया। आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, नहीं तो एरर आएगा, रन नहीं होगा प्रोग्राम। देन पाई प्लॉट फंक्शन है आपका या मेथड है जो इस लाइब्रेरी के अंदर होता है, जिसके थ्रू ही आपका चार्ट बनेगा। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने पी एल टी लेना, मतलब एक रेफरेंस नेम हम लोग लेते हैं जिसके थ्रू आप जो है मैट प्लॉट लिप लाइब्रेरी प्लस पाई प्लॉट मैथड को एक्सेस करेंगे। नाउ इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी, नम पाई जो आपका पैकेज है उसको भी हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया कि नम पाई जो है नम पाई का ही एक्सटेंशन है आपका मैट प्लॉट लिप, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीक हमने एक मैंने आपको बताया था कि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली उसके नेम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एरे ले रहे हैं, वीक इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिया 1 2 3 4, फोर वीक्स होते हैं हमारा, वन मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 1 2 3 4, इक्वल टू स्टेटमेंट यहाँ पे लगी है, दैट मींस राइट हैंड साइड की वैल्यू स्टोर होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। आपने लिखा वीक इक्वल टू 1 2 3 4, दैट मींस 1 2 3 4 वैल्यू जो है वो आपकी वीक वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट प्राइसेस वेरिएबल लिया, इसमें भी आपने ये कुछ एक वैल्यूज डाल दी, मीन्स वीक में प्राइसेस कैसे वेरी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पी एल टी जो यहाँ पे हमने रेफरेंस नेम यहाँ पे लिया था पी एल टी, ये देखिए इसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट फंक्शन को या प्लॉट मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये जो प्लॉट मेथड है दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस मेथड या दिस लाइब्रेरी, यहाँ से डायरेक्टली हम इसको कॉल कर रहे हैं और उसमें वैल्यू को पास कर रहे हैं। आपने क्या किया, इस रेफरेंस वाले इससे पी एल टी डॉट प्लॉट मैथड को कॉल किया और वीक और प्राइसेस को इसमें पास कर दिया। तो प्लॉट आपका फंक्शन या मेथड क्या करेगा, प्लॉट करेगा, प्लॉट मींस ड्रॉ करेगा, क्या चार्ट। अब हम क्या चाह रहे हैं,
कि जो भी हमारा चार्ट के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी चीज़ें लिखी हों उसमें कुछ कलर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। फॉन्ट इक्वल टू यहाँ पे फैमिली, फैमिली मींस कि जो आपका जो भी यहाँ पे, एक मिनट पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट अभी आपको डिस्प्ले होगा, रन किया है मैंने प्रोग्राम को, ये देखिए चार्ट बन के आया है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो एक्स अनियन प्राइसेस, जैसे ये रेड कलर में लिखा हुआ आया है, इसमें अक्षरों की बनावट कैसी है, यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कैसी है। तो फॉन्ट फैमिली, अगर आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ा है या फिर अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, देन यू वेरी वेल नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉन्ट फैमिली। मींस आपका जो भी वर्ड्स आप लोग लिख रहे हैं वो किस तरीके से शो होनी चाहिए, उनकी डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, नाउ गो बैक, चलते हैं कोडिंग में। फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से देख सकते हो, ये थ्री लाइन्स लगी हुई है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाके आपने अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे फॉन्ट, ये देखिए जो यहाँ पे फॉन्ट के नेम लिखे हैं ना, यहाँ से आप कोई भी नाम जो है फॉन्ट फैमिली में दे सकते हैं। ओके, नाउ गो बैक। नेक्स्ट हमारा है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, फॉन्ट फैमिली सीरीफ ले ली। कलर की स्पेलिंग सी ओ एल ओ यू आर नहीं लिखनी है, वो आपका एरर जनरेट करेगा। सी ओ एल ओ आर लेनी है, कोई भी कलर ले लीजिए, ग्रीन, येलो, समथिंग, जो भी आपको पसंद है, इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और हर एक के साथ आपने देखा यहाँ पे कॉलोन का सिंबल लगाना है। छोटी सी मिस्टेक करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉलोन नहीं लगाएंगे, तो आपका आउटपुट नहीं आने वाला। साइज़ कितना साइज़ आपको लेना है, मैक्सिमम इसमें 72 तक का साइज़ सपोर्ट होता है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो अगेन ये जो थ्री डॉटेड लाइन्स है यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे जाइए, अपीयरेंस में जाइए, फॉन्ट साइज़, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। ये वाला जो एक्चुअली ये वाला जो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे 32 सेट किया हुआ है ना, ये तो मैंने यहाँ से मीन्स ये वाला साइज़ मैंने सेट किया है कि जो मैं प्रोग्राम कोडिंग में लिख रही हूँ ना, वो मतलब कि कितना साइज़ का डिस्प्ले होना चाहिए। शुरुआत में जब आप अपने सॉफ्टवेयर पर टाइप करेंगे तो आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई देगा, तो आप यहाँ से साइज़ को सेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से वो बड़ा दिखाई देने लगेगा आपको, ठीक है। थीम वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, जो भी है वो पूरा मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइज़ टाइप करके देख लीजिए कितना वो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैंने 25 जैसे यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो जो भी मैं फिर इसमें फिर मैंने क्या किया, अगेन टाइटल शोइंग अनियन प्राइजेस वेरिएशन थ्रू लाइन चार्ट। अगर आप इसके आउटपुट में जाएं, आउटपुट अभी आपको शो होगा गाइज, यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने ये लिखा है शोइंग अनियन प्राइस वेरिएशन थ्रू लाइन चार्ट, मैंने ग्रीन कलर सेट किया था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टाइटल मेथड को कॉल किया ताकि जो भी मैं टाइटल लिखूँ वो चार्ट के टॉप पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो अभी हम बैक चलते हैं कोडिंग में, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने PLT जो आपका रेफरेंस है, जिससे हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को मीन्स जो भी फंक्शन आपको या जो भी मेथड आपको यूज़ करना है वो सारे इसमें डिफाइन है, इसलिए इसका रेफरेंस ले रहे हम बार बार। डॉट टाइटल मेथड को कॉल किया, यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट लिखी, वो आपको आउटपुट के टॉप पे डिस्प्ले हुई, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। फिर हम क्या चाहते हैं, ये जो टाइटल हमने लिखा है इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो, फॉन्ट के अंदर जो भी इफेक्ट हमने दिया, तो हम क्या लिखेंगे, फॉन्ट डिक्ट, FONT फॉन्ट डिक्ट, DICT डिक्ट इक्वल टू फॉन्ट वन, ठीक है। तो ये सारी जो कोडिंग है वो किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इस टेक्स्ट के ऊपर। तो आपने अभी आउटपुट में देखा कि जो भी मैंने लिखा है शोइंग अनियन प्राइस वेरिएशन थ्रू लाइन चार्ट, ये आपका ग्रीन कलर में आ गया, इसका फैमिली सिरिफ सेट हो गया और साइज़ उसका 25 हो गया। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे ये फैमिली वगैरह चेंज कीजिए, कलर चेंज कीजिए, फिर उसका आउटपुट देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है ये हो गया। फिर उसके बाद अगेन अगर आपको नेक्स्ट जो है सेम ही अगर आपको फॉन्ट यूज़ करना है, तो आप अगेन जहाँ पे आपको इसका इफेक्ट चाहिए ना, सिंपली आप फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू करके फॉन्ट वन लिखिए, वहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट चीज़ के लिए अलग इफेक्ट चाहिए, तो जैसे फॉन्ट टू मैंने एक और बनाया है, यहाँ पे फैमिली मैंने ये ली है, मोनो स्पेस, कलर मैंने रेड लिया है, साइज़ यही लिया है मैंने, आप डिफरेंट ले सकते हो। फिर मैंने क्या किया, इसके एक और फॉन्ट सेट किया, फिर PLT से मैंने क्या किया, लेबल्स लगाने अब मुझे,
लेबल्स मीन्स जो भी मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाई है ना, यहाँ पे आउटपुट में हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सेस में मैंने वीक के ऊपर रेड कलर आना चाहिए, अनियन प्राइस के ऊपर रेड कलर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये कोडिंग यहाँ पे सेट किया। अभी हम बैक चलते हैं। ये देखिए लेबल्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स लेबल मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे एक्स एक्सेस वीक लिखा है, इसके ऊपर मुझे रेड कलर चाहिए, मतलब मुझे फॉन्ट टू का इफेक्ट यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगी, फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू फॉन्ट टू। तो फॉन्ट टू का क्या इफेक्ट है कि मोनोस्पेस उसका फॉन्ट फैमिली है, कलर उसका रेड है, साइज उसका 25 है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपका आ गया वाई लेबल के ऊपर जो है, ये लिखा है मैंने एक्स एक्सेस अनियन प्राइसेस, और इसके ऊपर भी मुझे फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू फॉन्ट टू, तो फॉन्ट टू का ही इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको फॉन्ट वन का चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको फॉन्ट वन नहीं करना है, टू की जगह, तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। फिर PLT डॉट शो, अब मुझे जो भी मैंने कोडिंग पूरा किया है मैं चाहती हूँ उसका रिजल्ट है वो शो हो। तो शो क्या होगा, पूरा ग्राफ बन के आपके पास आएगा। तो ये कोडिंग पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। ये रहा गाइस, ये आपका जो है एक चार्ट बन के आया है, 2D लाइन चार्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इज़ द एक्स एक्सिस, 1, 2, 3, ये सारा क्या है आपका वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं, 0.55 का गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपका अनियन, ये आपका वीक बता रहा है और ये अनियन प्राइसेस बता रहा है। तो इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले जो प्राइस था वो 40 था, उसके बाद कितना हो गया प्राइस, उसके बाद 100 पे पहुंच गया, उसके बाद 60 आ गया, और उसके बाद जो है 80 पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, शोइंग अनियन प्राइस वेरिएशंस थ्रू लाइन चार्ट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि किस तरह से अनियन के प्राइस जो हैं वो वेरिएशंस में जा रहे हैं, कभी डिक्रीज हैं, कभी इंक्रीज हैं, देन डिक्रीज हैं, देन इंक्रीज हैं, डिक्रीज हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया। तो इस तरीके से पाइथन में हम जो हैं चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक के आउटपुट का भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर ले रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा, आप इसका स्नैपशॉट लेके अपने पास देख सकते हैं, ठीक है। अब बैक चलते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी विंडो मैंने रोकी है थोड़ी देर के लिए, इस कोडिंग का भी आप स्नैपशॉट लेके फिर कोडिंग पार्ट आप अपने आप टाइप कीजिए, रन करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस एंड वेट फॉर न्यू वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइज, कीप इंजॉइंग द पाइथन नाउ थ्रू योर मोबाइल फ़ोन। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।